इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हर्मी नाम के एक बंदे को जो अपनी कहानी बता रहा है, जहां उसने अपनी 1942 की समर बिताया था। फिल्म अब फ्लैशबैक में जाती है और हर्मी के दो दोस्त को हम देखते हैं, जिनमें से एक का नाम बेंजी और दूसरे का ऑस्की है। ये तीनों दोस्त अक्सर बीच पर खेलते रहते हैं। एक बार जब ये तीनों खेल रहे होते हैं, तब बीच के बाजू में एक घर को देखते हैं। उस घर के अंदर से एक बेहद खूबसूरत महिला अपने पति के साथ आती है। उसके पति एक फौजी भी है। थोड़ी देर बाद वो अपनी पत्नी को घर के अंदर ले जाता है, लेकिन उस महिला की खूबसूरती देखकर ये तीनों बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में ऑस्की और बेंजी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हर्मी को वहाँ से जाने के लिए मन नहीं करता और अभी भी वो उस महिला को देखना चाहता है। उसकी सुंदरता अभी भी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई है। अगले दिन फिर हम इन तीनों को समुद्र तट पर देखते हैं। इस समुद्र तट पर कई खूबसूरत लड़कियां भी होते हैं, कई कपल भी हैं, फिर भी उन तीनों का मन उस लेडी पर ही होते हैं। और यहाँ ये तीन दोस्त आपस में बात करते हैं कि वो अपनी पहली खपाखप कैसे करे, तो वो सभी ही किताब लेकर आते हैं जिसमें लिखा है पहली बार कैसे कर सकते हैं, और लिखा होती है कि एक महिला से इंटीमेट कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से लिखी होती है। और ये तीनों एक साथ पढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो फौजी घर से जाने लगता है। वो महिला भी उसे बाय कहकर उदास होकर जहाज के अंदर चली जाती है। हर्मी जो ये सब देख रहा है और उस महिला की खूबसूरत बॉडी को देखकर वो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाता है और हर्मी उस महिला को पाना चाहता है और उसे गलत नजरों से देखने लगता है। इसके बाद जब ये तीनों दोस्त बीच पर होते हैं, तो लेडी यहाँ नहाने आती है। ऑस्की हर्मी को बताता है कि डोरोथी उसकी उम्र से बहुत बड़ी है। यहाँ हर्मी कहता है कि वो उससे प्यार करता है। ऑस्की और बेंजी उसे बात करने और उसे दिखाने के लिए चुनौती देते हैं कि क्या वो वास्तव में उससे प्यार करता है। यहाँ हर्मी महिला से बात करने जाता है। आपको बता दें कि इस महिला का नाम डोरोथी है और इस समय डोरोथी बीच पर सो रही होती है। जैसे ही हर्मी डोरोथी से कुछ कहने वाला होता है, तभी उसके दोस्त आते हैं और शोर मचाने लगते हैं। तभी हर्मी यहाँ से भाग जाता है और उसके बाद तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। ऑस्की हर्मी को बहुत पीटता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। एक दिन जब हर्मी बाजार से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि डोरोथी बहुत सी चीजें ले जा रही है जिसे वो संभाल नहीं सकती। उसके हाथों से सभी चीजें गिर जाती हैं। हर्मी उसके पास जाता है और यहाँ उसकी मदद करने की पेशकश करता है। डोरोथी हर्मी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। इसके बाद दोनों डोरोथी के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में ऑस्की और बेंजी हर्मी को बुलाते हैं, लेकिन हर्मी उन दोनों की उपेक्षा करता है। तब हर्मी डोरोथी के घर आता है और डोरोथी के सामने अपनी प्रशंसा करता है। वो कहता है कि वो भी एक सैनिक बनना चाहता है जब वो बड़ा हो जाता है, और उसने सैनिक के लिए आवेदन किया है। इधर डोरोथी का कहना है कि वो निश्चित रूप से एक सैनिक बनेंगे, जिसके बाद हर्मी कहते हैं कि वो एक महान संगीतकार हैं और उन्हें संगीत में बहुत रुचि है। डोरोथी उसे बताती है कि आखिर वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। हर्मी उसे बताता है कि वो बहुत अच्छी तरह से सीटी बजाना जानता है। इधर डोरोथी को प्रभावित करते हुए हर्मी बहुत जल्दी गर्म कॉफी पीने की कोशिश करता है, जबकि कॉफी उसके मुंह को जला देती है। डोरोथी उसे बर्फ की पेशकश करती है। जब हर्मी अपने घर के रास्ते में होता है, डोरोथी उसे पैकिंग में कुछ देती है, जहां हर्मी कहता है कि वो उसे फिर से देखने आएगा। घर के बाहर दोनों दोस्त काफी देर से उसका इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों पूछते हैं कि हर्मी इतनी देर से उसके घर में क्या कर रहा था। हर्मी उन्हें बताता है कि वो उसके साथ ड्रिंक कर रहा था, और जो पैकिंग हर्मी के हाथ में होती है, उसके दोस्त उससे ले लेते हैं। अब ये तीनों दोस्त अपनी वर्जिनिटी खोने का प्लान करते हैं। तीनों एक सिनेमा घर में फिल्म देखने जाते हैं। यहाँ ऑस्की तीन लड़कियों को देखता है और उनसे दोस्ती करने लगता है। वो कहता है कि क्यों ना उसके साथ फिल्म देखें, और ये तीनों लड़कियाँ अपनी तीन सहेलियों के साथ फिल्म देखने के लिए राजी हो जाती हैं। यहाँ ऑस्की ने चतुराई से सबसे सुंदर लड़की को अपने साथ रखा, जबकि सबसे खराब लड़की को हर्मी को दे दिया। तभी डोरोथी यहाँ आती है। वो हर्मी को हाय कहती है, उससे कहती है कि उसे अपने घर में कुछ सामान निकालना है। क्या हर्मी आकर उसकी मदद कर सकता है? हर्मी तुरंत इसके लिए हाँ कह देता है। जब हर्मी अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा है, तो उनके पैसे यहाँ खत्म हो रहे हैं। ऑस्की और हर्मी आपस में पैसे का हिसाब लगा रहे हैं कि इन सबके लिए टिकट कैसे खरीदें और तीनों लड़कियों को आइसक्रीम कैसे खिलाएं, हालांकि वो सब कुछ मैनेज करते हैं। फिल्म देखते समय ऑस्की अपने साथी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। बेंजी भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन वो भी इस काम में सफल नहीं हो पाता। हर्मी जो कम सुंदर लड़की के साथ है, वो भी उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ ऑस्की को देखकर जलन होती है। मूवी देखने के बाद ऑस्की ने हर्मी से कहा कि वो उस लड़की के बहुत करीब आ रहा था। अगले दिन हर्मी उसकी मदद करने के लिए डोरोथी के घर पहुंचती है। यहाँ जब डोरोथी सीढ़ी पर चढ़ती है, तो हर्मी अपने शरीर के अंग को देखता है और उसे देखकर आकर्षित होता है। उसके अंदर इंटीमेट होने की भावना जागती है। जब सीढ़ी पर चढ़ने की बारी आता है, तो हर्मी कांपने लगता है। डोरोथी उससे पूछती है कि वो इतना नर्वस क्यों है। हर्मी जवाब नहीं देता। सब कुछ नीचे रखने के बाद हर्मी डोरोथी से कहता है कि वो उसे पसंद करता है, और यहाँ डोरोथी भी उनके माथे को किस करती है। इस समय हर्मी के माथे पर लिपस्टिक के निशान है। जब वो बाहर आता है, तो उसके दोस्त पूछते हैं कि उसके माथे पर ये लिपस्टिक के निशान कहाँ है, जबकि हर्मी इसका बहाना बनाता है।
बाद में हर्मी ऑस्की को बताता है कि उसके पास वर्जिनिटी खोने के लिए एक अलग योजना है। वो एकी और मिरियम को रोस्टिंग मार्शमेलो के बहाने बुलाएगा और पूरी रात समुद्र तट पर करेगा। ऑस्की को एक किताब मिलती है, उस वक्त उसे जानकारी मिलती है कि यह सब करने के लिए एक हिरासत की जरूरत है। अब दोनों मिलकर सेफ्टी खरीदने का प्लान बनाते हैं। दवा की दुकान पर जाकर ऑस्की खुद नहीं जाता और बड़ी चालाकी से हर्मी को भेज देता है। हर्मी स्टोर के अंदर जाता है, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि दुकानदार को कैसे बताया जाए कि उसे हिरासत में लेने की जरूरत है। इसी समय एक बुढ़िया आती है, जिसे देखकर वो और भी लज्जित हो जाता है। जब बुढ़िया यहाँ से चली जाती है, फिर हर्मी हिम्मत के दुकानदार से बात करने जाता है, लेकिन वो अपनी नजरबंदी के कारण आइसक्रीम कहता है। दुकानदार उसे आइसक्रीम देता है। उसके बाद जब वो दोबारा बोलने वाला होता है तो उसके मुंह से कौन बोला जाता है। यहाँ दुकानदार जो भी उस आइसक्रीम पर डालता है, अगली बार हर्मी फिर से बोलने वाला होता है, उसके मुंह से नैपकिन कहा जाता है। यहाँ दुकानदार उसे एक नैपकिन भी देता है। इस सब में हर्मी इतना घबरा जाता है कि दुकानदार अंत में समझ जाता है कि हर्मी को क्या चाहिए और उसे डिटेंशन बॉक्स देता है। और इस तरह आखिरकार हर्मी ने योजना के अनुसार यह सब डिटेंशन खरीद लिया है। अब हम देखते हैं कि सारे बीच पे है, साथ में एगी और मरियम भी आए हैं। और इधर हर्मी ने रोस्टिंग मार्शमेलो के बहाने बना के एगी के साथ बैठा है और ऑस्की और मरियम बीच के दूसरी तरफ बैठे हैं। और यहाँ ऑस्की ने मरियम के साथ घपाघप करने में सफल हो जाता है। एक बार करता है, बाद में दूसरी बार करने के लिए कॉन्डोम लेने के लिए फिर हर्मी के पास आता है और ले लेता है। फिर से वो आता है और कॉन्डोम की मांगता है। तब हर्मी ने पूछ लेता है कि क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि जो बुक में है वही पूरा कर रहा हूँ। तो हर्मी फिर से पूछता है कि बुक में क्या लिखा है, तो वो उनका मजाक उड़ाता है। यहाँ एगी ने हर्मी से पूछाती है कि ऑस्की उससे बार बार क्या पूछने आता है, लेकिन हर्मी ने उसे कुछ नहीं बताता है। तब एगी उठती है और उसे देखने जाती है, तो वो ऑस्की और मरियम दोनों घपाघप करते हुए देखती है और परेशान होकर वाहन से चली जाती है। और यहाँ हर्मी की प्लान विफल हो जाती है, लेकिन ऑस्की ने पहली घपाघप करने में सफल हो जाता है। यहाँ अगले दिन हर्मी समुद्र तट पर अकेला होता है। तब वो डोरोथी को एक पत्र लिखते हुए देखता है। वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि वो ये लेटर किस लिए लिख रही है। डोरोथी उसे बताती है कि वो इसे अपने पति के लिए लिख रही है। इधर हर्मी कहता है कि वो आज रात अपने पड़ोस में वॉकिंग आने वाला है, तो वो चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। इसके बाद वो घर जाता है और खुद को काफी अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि वो आज शाम को डोरोथी के घर को बड़े मजे से जाना चाहता है। जब वो रास्ते में होता है तो वो ऑस्की से मिलता है और ऑस्की उसे बताता है कि वो मिरियम को अपेंडिक्स हुआ है और वो अपनी सैड कहानी बताता है, लेकिन हर्मी को कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो डोरोथी से मिलने के एक्साइटमेंट में है और वो ऑस्की को इग्नोर करके आगे बढ़ता है। और जब हर्मी डोरोथी के घर पहुंचता है तो डोरोथी के घर में काफी रहती है और एक विस्की की बोतल भी है और सिगरेट की पैकेट भी देखता है। और इस समय एक सैड म्यूजिक भी चल रहा होता है, लेकिन हर्मी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक इस घर में क्या हुआ है। फिर हर्मी को एक सरकारी पत्र दिखाई देती है। उस पत्र में लिखा है कि डोरोथी के पति की मृत्यु हो गई है। उसका पति ने हवाई जहाज में जा रहा होता है और जब हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर होता है तो उस हवाई जहाज पर हमला होता है और सभी को मार दिया गया है। तब डोरोथी अपने कमरे से बाहर आती है। इस समय वो बहुत दुखी होती है। हर्मी उसके पास जाता है, उसे समझाता है। तभी डोरोथी हर्मी को गले लगाती है और इस समय दोनों कुछ नहीं बोलते और फिर चारों ओर साइलेंस होती है। तब हर्मी और डोरोथी एक सैड डांस करते हैं और डोरोथी की आंखें हर्मी के चेहरे पर जाती हैं और डोरोथी हर्मी को किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और बेडरूम के अंदर आ जाते हैं और दोनों नंगा होते हैं और दोनों घपा घप करते हैं। ये इंटीमेट होने के बाद हर्मी वही सो जाता है। कुछ देर बाद वो उठता है तो वो देखता है कि डोरोथी बालकनी में है और इस बार वो स्मोकिंग कर रही है। बाद में हर्मी ने उसे गुड नाइट बोल के वह से अपने घर जाता है। अगले दिन सुबह वह डोरोथी को देखने जा रहा होता है। तब वो ऑस्की से मिलता है और वो बताता है कि मरियम अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन इसके लिए वो अपने आप को बुरा मान रहा है। तब हर्मी को अचानक से डोरोथी का याद आती है, तो वो सीधा डोरोथी के घर जाता है। तब पता चलता है कि डोरोथी ने इस घर को खाली कर दिया है और जाते समय वो हर्मी के लिए एक लेटर छोड़ के गई है। वो लेटर में लिखती है कि वो हर्मी को हमेशा याद रखेगी और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो बहुत खास है और हमेशा के लिए याद रहेगा और आशा है कि हर्मी अपनी परिस्थिति को समझेगा। उसके बाद हर्मी उस घर के सामने बैठकर उस घर को देखता है और वो अब भी डोरोथी को मिस करते हैं और इसी के साथ फिल्म यही खत्म हो होती है।